तो दोस्तों गाड़ी का काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं ये अपना जो टेल लैम्प का ग्लास है वो वक्त के साथ साथ फेड हो चुका है, क्योंकि धूप की वजह से जो कलर है ये उड़ जाता है, जिसे फेड होना बोलते हैं अपना इंग्लिश में, कुछ लोगों को पता नहीं होगा उड़ जाना। तो इसको क्या करेंगे, अब इसको चेंज करने वाला हूँ मैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना ये वाला जो शॉकर है ना, एक मिनट में फ्लैश चालू करता हूँ। हाँ, तो इसमें से है ना ऑयल लीक हो रहा है, और उधर वाला जो है वो ठीक ठाक है, यानी उसमें से कुछ लीकिंग नहीं है। तो मैंने इसके लिए ऑर्डर प्लेस किया है, जैसे ये पीछे वाले शॉकर भी आएंगे तब मैं इन्हें इंस्टॉल कर लूँगा और इन वालों को निकाल के फेंक दूँगा। और एक बात, एक्चुअली मेरे पास ये ओरिजिनल जो बूस्ट है ना शॉकर के, ये मैंने लगवा लिए थे। तो ये मैं जब इंस्टॉल करने गया तब मुझे उसने बोला कि इसकी स्प्रिंग जो है ना वो भी थोड़ी लूज़ है, यानी इसलिए जो ये डैम्पिंग है ना ये अच्छे से हो नहीं पाएगी आपकी गाड़ी की। तो क्या करिएगा, ये शॉकर बदल डालिए, इसलिए मैंने ऑर्डर किया है। ये बूश मैंने लिए थे बजाज के ऑथराइज सर्विस सेंटर से, ये MAT के ही बूश है, ये मैंने ना नासिक से लिए थे। तो वहाँ से मुझे कुछ ये 180 रुपये के दिए थे उसने, उस वक्त 2018 की बात है। तो ये मैंने इंस्टॉल किया इसमें। और एक और बात, ये देखिए अपना जो ये डोर नॉब है ना, टूल बॉक्स का नॉब, ये नया लगवाया मैंने, जैसे कि आपने देख चुके हैं आप पहले वीडियो में। ये देखिए किक, ये बजाज की किक है, MAT मेजर लिखा है इस पर, ये ओरिजिनल की है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका किक बॉस जो है ना ये बहुत मोटा है। जो कंपनी MAT के साथ पहले दिया करती थी ना वो, उसका किक बॉस बहुत पतला हुआ करता था। मैं इसकी फ़ोटो यहाँ पर डाल दूँगा अगर होगी मेरे पास, तो पतला होने के कारण यहाँ से टूट जाता था। और उसकी जो किक थी ना ये भी पतली थी यहाँ से, तो ये भी टूट जाती थी और ये भी टूट जाता था। तो ये जो किक है ना ये बहुत हैवी किक है, आप कितने भी मार मारेंगे ना ये यहाँ से टूटेगी नहीं, क्योंकि पहली वाली यहाँ पे टूट जाती थी। इसकी जो पुरानी मैंने निकाली ना वो टूट जाती थी, यानी वैसी वो किक पड़ी है मेरे पास, मैं उसका फ़ोटो डालूंगा आपको दिखाऊँगा। तो वो वाली किक अगर आपकी गाड़ी में हुई तो उसको निकाल के फेंकी, क्योंकि वो ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हैवी बिल्ड है। और एक बात, ये देखिए इसकी क्लच पे केबल, ये अपने वरुण कंपनी की लगाई है। आप इसमें एक फ़र्क जान देख पा रहे होगे कि ये जो चेक नट होता है ना ये इधर के साइड होता है, लेकिन क्या है ये जो वरुण की केबल है ना इसकी क्वालिटी बहुत ही घटिया है, क्योंकि ये जो केबल है ना शॉर्ट गिर गई है कंपनी ने, यानी ये मेरा ना दूसरी बार मुझे आया है। पहले बार जब मुझे मैंने वरुण की केबल ली थी ना तब भी मुझे ऐसा हुआ था एक्सपीरियंस कि वो केबल शॉर्ट निकल गई थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई एक केबल होती है उसमें फॉल्ट निकल आता है कंपनी का, लेकिन ऐसा नहीं, ये दूसरी बार केबल मंगवाई मैंने और इसमें भी फॉल्ट निकल गया। ये जो है ना एक क्लच को कुछ इस तरह से दबा के रख रही है, यानी इसके वजह से क्लच जो है वो खींचा ही रह रहा है और गाड़ी पिकअप नहीं दे रही अच्छे से, और कभी कभी गियर डालते वक्त ना आवाज़ भी आ रहा है थोड़ा सा। तो मैकेनिक ने क्या किया, मैं मैकेनिक के पास लेके गया था इस प्रॉब्लम को, तो उसने ना केबल ही आपसे यहाँ निकल के दे दी। वो मैं घर पर भी कर सकता था, लेकिन मेरा मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसे भी चलता है ऐसा, तो अभी मैंने इसके लिए केबल मंगवाई है, वो लगाऊंगा मैं इसमें और इसको निकाल के फेंक दूंगा। और अगर आपको कोई वरुण कंपनी की केबल क्लच केबल फ्री में भी देगा ना तो मत लीजिएगा, क्योंकि उसके सभी के क्लच केबल्स में फॉल्ट है, उनकी जो लेंथ है वो छोटी है, क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना वो लंबा चाहिए इतना, इसमें छोटा ही दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो चेक नट है ना यहाँ नहीं आ पाता, और ये केबल ये अंदर की इनर जो है ना वो शॉर्ट होने के कारण, अंदर की इनर बराबर है वो शॉर्ट नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये शॉर्ट है, तो ये इतना लंबा होना चाहिए था, तब वो केबल आसानी से आ सकती थी और अपन इसको आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास वरुण की केबल होगी तो उसके उसे मत लगाइएगा, बहुत बकवास और घटिया क्वालिटी की केबल है वो। इसके जो शॉकर है, अगले शॉकर, इनमें से जो ये राइट साइड वाला है ना यहाँ से ऑयल लीक हो रहा था, ये देखिए, तो मैं इसके जो फॉर्क में वो ऑयल डाल के लाया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो मेरे फ़ोन में स्टोरेज नहीं था इसलिए मैं वो जो प्रोसेस है वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन इसमें अभी मैंने बजाज का जेन्युइन ऑयल सील डाला है, बजाज का जेन्युइन ऑयल डाला है फॉर्क ऑयल, तो अभी
बहुत अच्छे से डैम्पिंग हो रही है और अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि एक साइड वाला लीक नहीं हो रहा था, लेफ्ट साइड वाला लीक नहीं हो रहा था, लेकिन राइट साइड वाला बहुत बुरी तरह से लीक हो रहा था। तो मैंने सभी जो अपना ऑयल सील थी दोनों तरफ की, राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों बदलवा ली और दोनों में ऑयल डाल लिया। तो यहाँ तक आया अपना काम अभी। और ये जो बोल्ट है यहाँ के, ये भी मैंने बदलवा लिए। अभी इसमें मैंने इसमें स्पीडोमीटर लगा लिया है, लेकिन उसको लगाने की जो प्रोसेस है वो मैं दिखा नहीं पाया आपको, लेकिन मैं स्पीडोमीटर की केबल डालने वाला हूँ, तब वापस से उसे निकालना पड़ेगा। और क्लच केबल डालते समय आपको स्पीडोमीटर निकालना ही होता है, और ये एप्रॉन भी निकालूंगा मैं तब। तो कल मैंने क्या किया कि इसे निकाला, और ये जो ग्रीस है ना, ये थोड़ा एक्सेस लग गया है, इसे पोंछ डालूंगा मैं। तो इसकी सर्विसिंग भी मैंने इस लीवर की, क्योंकि अंदर से बहुत जाम था, पहिया निकाला खोला और इसकी सर्विसिंग अच्छे से की है, तो अभी ये बहुत स्मूथ चल रहा है एक्सेल भी। तो दिखाता हूँ आपको आगे का जो भी होगा वो। ये देखिए अपना इंजन भी।